गोरखा हित सर्वोपरि। ऑनरेबल मेंबर श्री इंदिरा कांग सुब्बा, माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन पर रोड्स ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे मिनिस्ट्री के 2019-2020 बजट को समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं ऐसे राज्य से हूं, ऐसे राज्य को रिप्रेजेंट करता हूं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से एक है और छोटी सी राज्य सिक्किम जो दार्जिलिंग के पास में ही है। लेकिन मंत्री जी से एक छोटी सी सुझाव रखने के लिए खड़ा हूं। जो एक राज्य है जिसकी पूरा इकोनॉमी टूरिज्म में डिपेंडेंट है और टूरिज्म से जितनी रेवेन्यू स्टेट को आता है ये ट्रांसपोर्टेशन में और हाईवे में बहुत डिपेंड करता है, लेकिन आज तक सिक्किम को भारत के बाकी राज्यों से जोड़ने के लिए केवल एक राजमार्ग है, नेशनल हाईवे नंबर 10। तो उस राजमार्ग अगर कहीं पे बंद हो जाए तो सिक्किम के लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। और सिक्किम ऐसा राज्य है जहां पे 5 महीने से ज्यादा मानसून रहती है, वहां पे ज्यादा बारिश होने की वजह से बहुत बहुत ही लैंडस्लाइड्स होते हैं। लैंडस्लाइड्स की वजह से ये राजमार्ग NH-10 लगभग मानसून के समय में ज्यादातर बंद रहते हैं और अभी भी मल्टीपल लैंडस्लाइड्स की वजह से NH-10 बंद होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो इंडिया में, भारत देश में ट्रांसपोर्टेशन में अगर देखेंगे तो 60% गुड्स ट्रांसपोर्टेशन और 85% पैसेंजर ट्रैफिक रोड के माध्यम से होते हैं, लेकिन सिक्किम ऐसा राज्य है जहां पे 100% गुड्स ट्रांसपोर्टेशन और 100% ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन रोड के माध्यम से ही होती है। वहां पे रेलवे नहीं है और एक ही हवाई अड्डा है जो भी मौसम की वजह से अभी बंद पड़ा हुआ है। तो मंत्रालय से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो 2015-16 में नोटिफाई किया गया एक अल्टरनेटिव राजमार्ग जो बंगाल से गैंगटॉक तक की 242 किलोमीटर की एक अल्टरनेटिव हाईवे सैंक्शन की गई थी, वो जल्दी से जल्दी अगर कंप्लीट किया जाए तो सिक्किम के लिए अगर एक हाईवे बंद भी हो जाए तो दूसरे हाईवे के माध्यम से सिक्किम का ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाती है और सिक्किम के जितने भी जनता है उन लोगों को सुविधा मिल जाती। और सिक्किम ऐसा राज्य है जहां पे 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करती है, उनमें से सबसे सेंसिटिव बॉर्डर चाइना बॉर्डर है। और सिक्किम न्यूज में था जबकि दोकलाम में इंडिया और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ हुए थे, तो उसके लिए भी जो चाइना बॉर्डर की तरफ जाने का जो राजमार्ग है वो राजमार्ग भी अभी बहुत पैथेटिक कंडीशन में है। जो कंडीशन को ठीक करवाने के लिए मैं मंत्रालय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस हाईवे जो नॉर्थ सिक्किम में चाइना बॉर्डर तक जाती है, जितने भी हाईवे बॉर्डर तक जाता है उस हाईवे को जल्दी से जल्दी उसके कंडीशन ठीक करवा के भारत देश के सिक्योरिटी में भी बड़ा कदम होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज कंक्लूड। गोरखा हित।